वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार। बात करने जा रहा हूं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। और आप लोग में से बहुत सारा आपका फ्रेंड जो है वो कमेंट करके पूछ रहे हो, सर नॉर्मलाइजेशन को क्लियर कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन से स्कोर में क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से जो है सो मार्क्स सिर्फ बढ़ता है, जबकि कुछ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मार्क्स डिक्रीज भी करता है। और एक फ्रेंड ने आपका कमेंट करके पूछा है कि सर क्या एक्यूरेसी मैटर करता है। तो ये जो आपका ये क्वेश्चन है वो सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एक्यूरेसी मैटर करता है, क्या एक्यूरेसी की वजह से जो है सो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में फर्क पड़ता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो, एक एक क्वेरीज का यहाँ पे आपका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि कोई सा भी क्वेरीज अगर करोगे और उसका नेक्स्ट वीडियो अगर आपको आएगा तो तुरंत पता चलेगा। ठीक है, तो एक एक करके समझने का कोशिश करो। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लूँगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले देखो, नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो होता है वो होता क्या है। अगर आपका एग्ज़ाम मान लो 100 नंबर का हो रहा है, और अभी आपको पता ही है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ स्टूडेंट जो है सो आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं NTPC का, तो सभी का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं होता है, एक शिफ्ट में सभी का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट जो है ना, ये कहाँ से आता है? ये आता है कि मान लो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। मान लो यहाँ पे भी 100 कैंडिडेट है, यहाँ पे भी 100 कैंडिडेट है, यहाँ पे भी 100 कैंडिडेट है। तो होता क्या है ना कि पेपर का लेवल जो होता है वो सेम तो नहीं हो सकता है अलग अलग शिफ्ट का। खुद सोचो कि मान लो इस शिफ्ट में आपसे विटामिन सी का साइंटिफिक नेम पूछा तो आपने बना दिया, और इस शिफ्ट में जो है सो मान लो आपको विटामिन के डेफिशिएंसी से कोई सा होने वाला डिजीज पूछ दिया तो आपने छोड़ दिया। तो आप बोलोगे सर इसमें भी आपका जो है सो विटामिन से ही क्वेश्चन था, इसमें भी विटामिन से क्वेश्चन था। बट एक स्टूडेंट, आप अपने आप को यहाँ पे रख के देखो कि अगर आपका एग्ज़ाम इस शिफ्ट में होता तो आप ये क्वेश्चन बना लेते, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। बट अगर आपका एग्ज़ाम इस शिफ्ट में होता तो हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन छोड़ देते। तो रेलवे कितना भी कोशिश करेगा ना अलग अलग शिफ्ट में सेम टाइप का पेपर देने का, फिर भी जो है सो आपका चेंजिंग आ ही जाता है। अगर मैं आपको अलग अलग पेपर दे देता हूँ, मान लो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, फोर्थ शिफ्ट का, फिफ्थ शिफ्ट का, तो सारे पेपर को आप सॉल्व करोगे तो क्या आपका सेम नंबर आएगा हर शिफ्ट में? आप बोलोगे नहीं आएगा। तो बस इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो है सो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। अब यहाँ पर मान लो एक शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट है, तीसरा शिफ्ट है, चौथा शिफ्ट है, पाँचवा शिफ्ट है। तो होता क्या है ना, इस शिफ्ट का मान लो टॉपर है, वो आपका 98 ले आया, इस शिफ्ट में मान लो 95 ले आया, इस शिफ्ट में 100 आउट ऑफ 100 ले आया, इस शिफ्ट में 84 ले आया। तो आप देख सकते हो ना, टॉपर का स्कोर अलग अलग वेरी करता है। अब हर शिफ्ट में मान लो 100 कैंडिडेट है, 100 स्टूडेंट है, तो इस सब का एवरेज मान करके चलो, इसमें 65 आता है, इसमें 68 आता है, इसमें 75 आता है, इसमें 82 आता है, तो सारे का एवरेज अलग अलग होता है। तो रेलवे पहले क्या जानता था, रेलवे ये जानता था कि इस शिफ्ट में 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और उसका एवरेज 65 आया, और इस शिफ्ट में 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और उसका एवरेज 82 आया। मतलब रेलवे के नज़र में ये शिफ्ट ईजी है, कहे कि सब लोग स्कोर कर रहे हैं, सब लोग स्कोर कर रहे हैं, तभी तो एवरेज 82 आया ना, और इसमें जो है सो सब लोग फंस जा रहे हैं, ये हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि ये हार्ड शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर मान लो, ये तो आपका एवरेज हो गया, मान लो किसी स्टूडेंट का 58 है, तो इसका क्या होता था, डायरेक्ट होके चला जाता था 82। एक मिनट के लिए, यहाँ पे सब कुछ एजम्पशन ही है, इसी से आप समझोगे। और इस शिफ्ट में मान लो आपका आ गया था 79, तो आपका क्या हो गया, इंक्रीज करके 81। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इजी शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा नहीं होता है, और हार्ड शिफ्ट में जो है सो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा होता है। बट अब ये प्रिंसिपल आपका यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग होने वाला है, इसीलिए रॉन्ग होने वाला है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है
वो चेंज कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। और वो फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको उतना डीपली नहीं समझना है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सिर्फ आप ये समझो कि पहले जो ये डिफरेंस क्रिएट होता था ना, कि यहाँ पे जो है सो किसी का डायरेक्ट प्लस 24 हो रहा है और यहाँ पे किसी का जो है सो आपका प्लस 2 हो रहा है, तो काफ़ी बुरा लगता था लोगों को, काफ़ी बुरा लगता था। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला हल्का सा चेंज कर दिया गया। अब क्या होगा ना, इतना का डिफरेंस नहीं होगा, मतलब आपका जो मार्क्स आएगा वो क्लोज रहेगा, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में। जैसे कि 81.1 है और 81.2 है, तो इस बीच में 1000 स्टूडेंट आ जाओगे। इस तरह से नया नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जो है उस हिसाब से भी ये काम करने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नॉर्मलाइजेशन क्यों हम लोग लगाते हैं। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए लगाते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर होता है ना, तो सबको एक तरह से इक्वलाइज करने का कोशिश किया जाता है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। अब एक दो पॉइंट और बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी समझने का कोशिश करो। जैसे कि मान लो 1.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट हैं, मान लो एक मिनट के लिए मान लो, तो एक शिफ्ट में मान लो 5 लाख एग्जाम देते हैं स्टूडेंट, एक शिफ्ट में 5 लाख के आसपास स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो एक कहते हैं ना जो टॉपर होता है ना या जो इंटेलिजेंट होता है ना, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर पेपर थोड़ा सा टफ हो भी गया, मान लो कि आप ही हो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तो एक पेपर में मान लो आप 92 ला रहे हो, आप मान लो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप हो, तो आपको अगर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मिला तो आपने 92 स्कोर किया, और आपको अगर सेकेंड शिफ्ट का पेपर मिलता तो भी आप 92 या 91 स्कोर कर ही लेते, बिकॉज आप इस 5 लाख में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो बेसिकली क्या होता है, 1.5 करोड़ नाम के स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले 10 लाख के आसपास भी नहीं होते हैं सही से। तो जो लोग टॉपर होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो लोग अच्छा खासा स्कोर कर ही लेते हैं। और इसी वजह से जब आप कट ऑफ देखते होगे, तो कट ऑफ देखना, सिकंदराबाद का देखना, चेन्नई का देखना, अलाहाबाद का देखना, किसी का 77 पॉइंट समथिंग, किसी का 76 पॉइंट समथिंग, किसी का 78 पॉइंट समथिंग, इतना क्लोज रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, उसी बोर्ड का कट ऑफ कम चला जाता है जिस बोर्ड में काफ़ी कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। जो भी आपका बड़ा बड़ा बोर्ड है वहाँ पे जाकर के चेक करो, लगभग लगभग क्लोज कट ऑफ ही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो लोग पढ़ते हैं उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पता होता है, आपको बस अच्छे से करना है और स्कोर करना है, बस इतना ही फोकस करना है आपको। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझो, एक्यूरेसी जो है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हो, आज ही आपका एक फ्रेंड ने मैसेज करके पूछा है पर्सनली कि सर कोई 100 क्वेश्चंस पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आता है, और आफ्टर डिडक्शन मतलब जो निगेटिव होता है वो करने के बाद मान लो इसका आपका फाइनल स्कोर जो है सो 75 आता है। ये कोई स्टूडेंट है, तो मान लो ये फर्स्ट स्टूडेंट है, तो ये 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मान लो उसका कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ और फाइनल मार्क्स 75 आया, तो मान लो कोई सेकेंड स्टूडेंट है जो ओनली 75 क्वेश्चंस ही बनाया और उसका 75 का 75 सही है, तो इसका भी तो 75 आएगा ना, तो इसका भी 75 आया, इसका भी 75 आया, तो क्या नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो मेरा होगा वो इसका कम हो जाएगा क्या, क्योंकि इसका जो है सो निगेटिव ज़्यादा है और इसका तो 100% एक्यूरेसी है ना, तो इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बढ़ेगा और इसका घटेगा क्या? तो जी नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलो प्रूफ करके दिखाने के लिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है ना, वहाँ पे एक भी ऐसा टर्म नहीं है जहाँ पे एक्यूरेसी या निगेटिव या ज़्यादा सही होना ये सब मेंशन किया गया, कुछ भी नहीं। उसका नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसमें सिंपली आपका एवरेज लिया गया है, आपका स्कोर लिया गया है, टॉपर का स्कोर लिया गया है, उसका मीन डेविएशन जो भी है वो सब लिया गया है, तो आपका स्कोर लिया गया है, आपका क्या लिया गया, स्कोर लिया गया है, यहाँ भी आपका 75 स्कोर, यहाँ भी आपका 75 स्कोर, आपका स्कोर लिया गया है। इस कैंडिडेट का बनेगा तो भी इसका ये स्कोर लिया जाएगा, इस कैंडिडेट का नॉर्मलाइज स्कोर लाना होगा तो भी यही स्कोर लिया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है, एक्यूरेसी मैटर
नहीं करता है। अब एक चीज और अच्छे से समझा देता हूं, क्यों मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को कि एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इसीलिए नहीं बोलता हूं कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर अच्छा हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर में तो एक्यूरेसी मैटर करता ही नहीं है, आपको मेंटेन करने के लिए इसीलिए बोलता हूं कि आप गए 90 बना करके आ गए, 90 छोड़ो ना 100 बना करके आ गए, आपका 80 सही हुआ 20 गलत हो गया। अब 0.33 निगेटिव है ये आपको पता है ना रेलवे में, मान लो इसका 6.33 कर देते हो या 6.6 कर देते हो तो आपका जो है सो 73 पॉइंट समथिंग नंबर आ जाता है। बट अगर आप इसके जगह पर सोचो, आप 100, आप तो एग्जामिनेशन हॉल से आने के बाद सब जगह यही बोल रहे हो ना कि मैंने 100 आउट ऑफ 100 बनाया, 100 आउट ऑफ 100 बनाया, जब सॉल्यूशन आता है तब पता चलता है ना कि आपका 20 गलत हो गया, आपका नंबर आया 73 पॉइंट समथिंग। और वहीं पे मान लो एक मिनट के लिए आपका कोई फ्रेंड है, वो आपका 85 बना के आ रहा है, और 85 बना के लाने के बाद इसका 6 जो है वो गलत हो गया, 6 आपका रॉन्ग हो गया, तो इसका 6 79 और -2 करोगे तो 77। अब आप खुद बोल करके देखो, यहाँ पे सोचो कि इसने 100 बनाया और उसके बाद वो 73 ला रहा है, और ये 85 बना करके आया और ये 77 ला रहा है, 4 मार्क्स का डिफरेंस है, 4 मार्क्स का डिफरेंस, और 4 नंबर पता है आपको, इसमें 50,000 1 लाख स्टूडेंट आ जाओगे CBT 1 में, 1 लाख छोड़ो 4 लाख स्टूडेंट आ जाओगे CBT 1 में, अगर पूरा इंडिया लेवल पर बात करोगे तो, और जोन वाइज बात करोगे तो 50,000 20,000 25,000 स्टूडेंट आ जाओगे। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस मैटर करता है। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता तो डायरेक्ट 0.33 आप माइनस चले जाते हो, और उसमें जो है सो आप काफ़ी पीछे चले जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे, और सीट तो आपका लिमिटेड है ना, सीट तो आपका फिक्स है ना, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी चेंज है, तो आपको पता ही है कि 0.1 पे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जितना वैकेंसी है उसका 20% 25% वैकेंसी इसमें ही कवर हो जाए। अगर आपका 72.1 आया और किसी का 72.2 है तो इस बीच में भी 100 लोग आ जाओगे, तो इसीलिए निगेटिव मत करना, ठीक है। ये सजेशन अपने तरफ से दे रहा हूँ, मैथ प्रीवियस ईयर 2016 का पेपर, सारा का सारा मैथ का क्वेश्चन, हर पेपर में 30 क्वेश्चन है ना मैथ का टोटल 30 क्वेश्चंस आप बनाओ, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप हर पेपर का 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं गारंटी देता हूँ इस बात का कि आप अपने पेपर में भी 30 क्वेश्चंस बना के आओगे, ठीक है। रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस है आपका प्रीवियस ईयर पेपर में, वो आप बनाओ। आप लोग जो एनालिसिस देखते हो वो एनालिसिस हम लोगों ने देखा हुआ है, ये आप 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2016 का जो NTPC CVT 1 का एग्जाम हुआ था उसका आप ये 30 क्वेश्चंस मैथ का सारे पेपर का और रीजनिंग का सारे पेपर का आप करो, और ये 30 और 30 इसमें ही आप 55+ आप आसानी से ले आओगे। इसके अलावा जो 40 क्वेश्चंस आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स का है, उसमें जनरल साइंस का सारा क्वेश्चन देख लो, आप अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जनरल साइंस से नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है 2016 के पेपर से, ये आपको पता चला। और करंट अफेयर्स जो 2016 में पूछा गया है उसी का करंट अफेयर्स आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, जैसे कि मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय 2016 का आंसर होगा, बट अब आपको 2021 का आंसर याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, बस यही है। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर से बेस्ट प्रिपेरेशन नहीं होता है। अभी भी आप लोगों के पास आपका मार्च 30 तक एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे देता हूँ, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करो, वहाँ पे प्रीवियस ईयर का ऑलमोस्ट 40 टेस्ट अवेलेबल है, 40 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आपका 2016 का NTPC का पेपर पे बेस्ड है। सेक्शनल है, मैथ रीजनिंग और जनरल साइंस का अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, आपका जो सेक्शन वीक है उस सेक्शन का आप सारे का सारा टेस्ट को लगाओ, अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस चेक करो, वहाँ पे सॉल्यूशन है वो देखो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, उस क्वेश्चन का आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, ओके। और पूरा का पूरा फुल पेपर जो है, फुल टेस्ट भी है फुल पेपर का, वो पूरा दो, और वहाँ पे देखो कि 75+ स्कोर आप ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो, अगर ला पा रहे हो
टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देने जाओ, CBT 1 में सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे ही CBT 1 आपका सिलेक्शन होगा, आप लोगों को क्या करना है, CBT 2 स्टार्ट कर देना है प्रिपरेशन। और मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप लोग देख लो। वहां से अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग जो है CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और चैनल पे इम्पोर्टेंट PDF आ रहा है, जैसे कि लिस्ट ऑफ CEOs का, इम्पोर्टेंट डेज का, केमिकल कंपाउंड का, उसका फॉर्मूला वगैरह का, साइंटिफिक नेम वगैरह विटामिन का, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से जो आपका डिजीज होता है, ये सारा इम्पोर्टेंट लेक्चर आ रहा है। तो सब लोग देख करके ही एग्जाम देने जाओ, काफ़ी हद तक फायदा होगा और आसानी से CBT 1 निकालोगे। और अगर कोई क्वेरीज वगैरह होता है तो आप कमेंट करना, मैंने सारे क्वेरीज का आंसर कर दिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।